यातायात नियमों का उल्लंघन कार्यकर्ताओं को हाईट्रेक डिवाइस मशीन के जरिए अब मौके पर ई चालान कटेगा और अब मौके पर ही पेमेंट करना होगा। वहीं पेमेंट न करने पर डिवाइस मशीन के जरिए वर्चुअल कोर्ट भेज दिया जाएगा। कोर्ट के द्वारा पेमेंट करने के लिए वाहन चालक के मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा जाएगा, जिससे घर बैठे पेमेंट करने की सुविधा होगी और कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शुरुआती दौर पे नो पार्किंग पे चालान कर रहे हैं कि नो पार्किंग कोई गाड़ी खड़ी है। तो अभी तक होता यह था कि या तो हम गाड़ियों को बाइक को उठा के ले आते थे या फिर फोर व्हीलर है तो उसमें लॉक लगाते थे। ये दोनों कार्रवाई तो चलती रहेगी। उसके अलावा अब हम उसका ई चालान बनाएंगे, मौके पर ही ई चालान जनरेट करेंगे हैंडहेल्ड डिवाइस से और उस गाड़ी पे चस्पा कर देंगे ताकि गाड़ी मालिक को एक नॉलेज हो जाए। अभी होता यह था कि करते तो थे, वहाँ से फोटो खींच के भेजते थे और ई चालान उसका जनरेट करते थे, लेकिन उस गाड़ी मालिक को काफ़ी दिनों बाद, हफ्ते दिन बाद तकरीबन पता चलता था कि उसका नो पार्किंग में चालान बन गया है। अभी मौके पे ही उसको पता चल जाएगा तो उसका प्रभाव अच्छा जाएगा और गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी होनी बंद हो जाएंगी।